हिम्मत है प्रधानमंत्री में, और पिछड़े अति पिछड़े शोषित पीड़ित गरीब हितैषी हैं तो ऐलान करें कि देश स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे। ट्रेन से लेकर के फुटपाथ तक जो खाली फोटो चमकाया जा रहा है, कितना लाख करोड़ रुपया रोज विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, उस पैसे से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, नौकरी नहीं देना चाहिए। बतावे कितनी बहाली लाए हैं वो तो बगैर वोटिंग के बोल दिए है। 15 अगस्त को बोल दिए हैं कि वोट किसी को दो, सरकार हमारी बनेगी, तो कहाँ लोकतंत्र बचा है? पार्लियामेंट में और लोकतंत्र में ऐसा हुआ कि सैकड़ों से बेसी मान्य सदस्यों को आप निलंबित करेंगे? आप लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं या हिटलरिज्म का डंडा मार रहे हैं? अरे बीजेपी अपना सभा लेना, सूप हसे तो हसे, चलनी भी हसे। और अभी जो पार्लियामेंट में दूठो कूदा है तो इसकी भविष्यवाणी भी नहीं याद थी उनको, गलती से अगर नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम होता तो देश भर में खंगलाई हो गई होती। क्या बात कर रहे हैं, उसी लोकसभा में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को गद्दार और देशद्रोही क्या क्या कहा गया, क्या कि ये कानून सबके लिए बराबर है या अलग अलग है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक हुई, वहां पर तमाम बड़े फैसले लिए गए और सबसे बड़ा फैसला यही रहा कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके जगह पर अब नीतीश कुमार जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उनका नाम भी ललन सिंह ने प्रस्तावित किया है। इस पर तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर दौड़ा हुआ है, खुश हैं। क्या कुछ परिवर्तन का जो है वो देखा जा रहा है, किस तरीके का परिवर्तन आएगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय ललन बाबू ने सर्वसहमति से नहीं, अपनी इच्छा से और अपनी व्यस्तता और अपने सारी चीजों को देखते हुए एक बार नहीं, अनेकों बार हम सबों के सर्वमान्य नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आज कई महीनों से आग्रह कर रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना है, और पार्टी देश के कई राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, तो उन व्यस्तता और अपना चुनाव इन सारे मुद्दों को समझते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखा, आग्रह किया और सारे लोगों ने सर्वसहमति से आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो हम सबों के नेता हैं। लेकिन सर एक सवाल ले लीजिए, कहा जाता है कि जिसे आप सर्वसहमति कहते हैं उसे तो बीजेपी आपको फूट बता रहा है कि पार्टी में ही फूट हो रही है। अरे बीजेपी अपना सभा लेना, सूप हसे तो हसे, चलनी भी हसे, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय प्रचार करने के का किया बीजेपी? का हुआ 2 करोड़ नौकरी का? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जो गणना कराया है, हिम्मत है प्रधानमंत्री में, और पिछड़े अति पिछड़े शोषित पीड़ित गरीब वंचित उपेक्षित के अगर हितैषी हैं तो ऐलान करें कि देश स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जिसमें आर्थिक भी बिंदु होना चाहिए, शैक्षणिक भी बिंदु होना चाहिए, राजनीतिक भी बिंदु होना चाहिए, है तो करावें। हमारे नेता ने तो करा के दिखा दिया, बता दिया, इच्छा शक्ति अगर सुदृढ़ हो तो पहाड़ तोड़ा जा सकता है। लेकिन कहा तो ये भी जाता है ना कि जातीय जनगणना करवा करके पैसा बर्बाद किया जा रहा है, गरीबी जनगणना करा लेते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, ये जो रात दिन ट्रेन से लेकर के फुटपाथ तक जो खाली फोटो चमकाया जा रहा है, कितना लाख करोड़ रुपया रोज विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, उस पैसे से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, नौकरी नहीं देना चाहिए? बतावे कितनी बहाली लाए हैं वो? नौकरी तो दे दिए हैं, 9 साल में 7 लाख, अब क्या चाहिए? आपको मिली है? हमको नहीं मिली है, लेकिन डेटा तो बता किस विभाग में? सरकार कह रही है। अरे किस विभाग में? डेटा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 9 साल में 7 लाख नौकरी दिए हैं। आप बीजेपी, लेकिन वादा तो दो। अरे बीजेपी कार्यालय की सुनी बात मत करो यार, आप किससे बात कर रहे हो, किस विभाग में बताओ, पढ़ के आओ।
तो बीजेपी नेता से पूछना पड़ेगा। तो जा पूछ के आओ, पर हमको हमारे हमारे सम से बात करना। सर, जेडीयू के लिए कहा जा रहा है कि पार्टी में आपस में फूट थी, और नीतीश कुमार जी के लिए कहा जा रहा है कि वो इनसिक्योर हो गए थे। ये सब फालतू बात है। हाँ। और ये प्लांटेड बात है। चूंकि माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों के देखे हुए सपनों को धरती पर उतारने का जो बिहार से प्रयास किया है, उसको लेकर के धर्म के नाम पर लोगों के हकमारी करने वाली पार्टियों को बेचैनी हो गई है। इस बेचैनी का से वो लोग ग्रस्त हैं, बाकी कुछ नहीं है, इसलिए दुष्प्रचार कराते रहता है। लेकिन कहा जाता है कि फिर से हम दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरे टर्म में। वो तो बगैर वोटिंगे के बोल दिए हैं, 15 अगस्त को बोल दिए हैं, मतदान से पहले ही बोल दिए हैं। क्या ये लोग नहीं सुने हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में कि वोट किसी को दो, सरकार हमारी बनेगी, तो कहाँ लोकतंत्र बचा है? उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि मैं भविष्यवाणी मेरी गलत नहीं जाती है, राजस्थान में कहा था कि गहलोत सरकार नहीं बनेगी, तो नहीं बनी। अब जाहिर सी बात है, जो भविष्यवाणी करता हो तो भविष्यवाणी काहे नहीं किए, करना चाहिए था ना। चाइना जो ढूक गया कई कितना किलोमीटर अंदर, तो भविष्यवाणी नहीं आती, गोले मार के भगा दिया उन्हें। और अभी जो पार्लियामेंट में दूठो कूदा है, तो इसकी भविष्यवाणी भी नहीं याद थी उनको, वो कैसे घुस गया दूठो पार्लियामेंट में? सिर लगवा दिए हैं, जांच के विषय बन गया है। गलती से अगर नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम होता तो देश भर में खंगलाई हो गई होती। क्या बात कर रहे हैं, आज तक के देश के पार्लियामेंट में और लोकतंत्र में ऐसा हुआ कि सैकड़ों से बेसी मान्य सदस्यों को आप निलंबित करेंगे? आप लोग तांत्रिक सरकार चला रहे हैं या हिटलरिज्म का डंडा मार रहे हैं? कह रहे विपक्ष उग्र हो गया है, बदतमीजी पे उतर आते हैं तो हमें मजबूरन सस्पेंड करना पड़ता है। यानी उंगली से लेकर आंख तक का डायलॉग उमारे, देश की लोह पुरुष एक लेडी महिला बहन ममता दीदी को बंगाल में जाके वो मजाक उड़ावे, वो चिढ़ावे, मणिपुर में बेटियों को निरस्त घुमाया जाए, और ये चुटकी लें, किनकी बात कर रही हैं आप? तो कहा जाता है कि मिमिक्रिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। उनसे बड़ा मिमिकर कौन होगा, नाना पटकर भी फेल है उनके सामने। उनके कहते हैं कि देश के दूसरे नागरिक जो सर्वोपरि माने जाते हैं, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना और उसके बाद राहुल गांधी का वीडियो बनाना, उसमें इंजॉय करना, जहां उन्हें रोकना चाहिए वो वीडियो बना रहे हैं, उसके मजे ले रहे हैं, इस बात को लेकर बहुत बवाल मचा है। उपराष्ट्रपति की गरिमा निभाना चाहिए। उसी लोकसभा में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक को गद्दार और देशद्रोही क्या क्या कहा गया, क्या किए? कानून सबके लिए बराबर है या अलग अलग है? क्या उसकी सदस्यता समाप्त हुई? जिसने रिकमेंड किया और दूठो जो कूदा और पूरा धुआं धुआं कर दिया, उसकी सदस्यता खत्म हुई? इसी जंतर मंतर पर बेटियां चिल्लाते रहीं सालों तक, किसी ने उसकी शुद्धि लिया? किसान 700 शहीद हो गए, कभी शुद्धि लिए? इसलिए उनका जो काम है करते रहते हैं, और उनके कामों का आप लोग डंका बजाते हैं, बजाते रहिए। हम क्यों कह रहे हैं सर, सुन, वो कह रहे हैं कि मोदी ने थोड़ी ना सस्पेंड किया था, सभापति ने सस्पेंड किया था, मोदी कहां से आ गए इसमें? बेचैन ला लोग हैं। एक हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के भय से तरह तरह का ड्रामा, तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनको भी अंदाजा है कि नीतीश कुमार एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, लड़ते हैं तो लड़ते हैं। भाजपा के नेता तो इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बता रहे हैं।
अरे भैया वो काका बताते रहता है, वही सब काम रह गया है, जिसको कोई नहीं सुनता उसको हम लोग सुनेंगे, हम अपने नेता की न सुनेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम मुद्दों पर बात की हमने, बिहार में जो जेडीयू पर तमाम जो खबरें चल रही थी कि जेडीयू में लगातार जो है फूट की बात चल रही थी, आपस में जो विधायक ने बैठक कर ली उसकी खबरें चल रही थी, उस पर सारे सवाल हमने पूछे, मोदी जी के तमाम चीज़ें जो वादे रहे उस पर सवाल पूछा, सदन में जो घुस गए थे बच्चों ने, सदन में जो सुरक्षा की सेंध लगी और तमाम सवालों के साथ उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।